की सीढ़ियाँ इस तरह से चढ़ी जाती है और ये है मंदिर, ये सीढ़ियाँ हैं। झारखंड का सबसे पवित्र स्थल में से एक है जो देखने में बहुत ही मनोरम और मधुर लगता है। इसके तरफ देखिए वो झंडा जो दिख रहा है आपको, बड़ा सा झंडा लाल लाल दिख रहा है, वही बच्चा लोग आए हुए हैं देखती है। ये सब बच्चे लोग जितने भी हैं ये सब। हाँ भैया, आपको कैसा लग रहा है इसमें? काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर है, बहुत मज़ा है, काफ़ी अच्छा तीर्थ स्थल है। सौंदर्य के दृष्टिकोण से, हर चीज़ के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर। मेला में कितना है? मेला की रोमांच ही अलग है, एकदम रोमांच ही अलग है जी। हाँ, जो भी यहाँ आएंगे मन प्रफुल्लित हो जाएगा, बाबा का दर्शन करते हुए मेला का मन प्रफुल्लित हो जाएगा, लोग भक्ति में होके जा रहे हैं, सबका मन गदगद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 10 दिन का मेला में ऐसा लग रहा है कि पूरा साल भर का कोरोना के बाद, ये 2 सालों के बाद जो लोगों के मन में उमंग है भगवान के दर्शन के प्रति या मौज मस्ती के प्रति, वो अपने आप ही कोरोना काल के बाद जो ये मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें से लोग बहुत ही भारी मात्रा में उमड़ के आ रहे हैं और अपना लोग को मजा उठा रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि हम लोग भी 2-3 दिन में आए घूमने के लिए, काफ़ी ऐसा देखने को मिला है कि मेला खासी मेन कारण भगवान का दर्शन अपने आप में अपने आप। थैंक यू भैया, आपने क्या नाम है भैया? श्याम प्रसाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जाते हैं। हाँ, तो मैं आज इसमें देखिए बहुत सारे जो उनसे बात किए, कैसा लगा बहुत ही मज़ा आया। चलिए हम मंदिर की ओर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। बाबा का सबसे ऊपर की ओर आया हुआ सीढ़ी के द्वारा ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए बाबा का दर्शन करने के लिए। पूरब द्वार बाबा का प्रसाद है। कितने सालों से बता रहे हैं कि बचपन से ही सेवा कर रहे हैं बाबा का। स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी। दर्शन करने के लिए सब भीड़ उमड़ पड़ी है। ये मंदिर जो है पहाड़ पे बनाया गया हुआ है, पूरा ऊंच चोटी पे बनाया हुआ है। देखिए पहाड़ का पत्थर ये ऊंच चोटी में बनाया गया है। ये बाबा का दरबार है। जय जगन्नाथ महाराज की जय। वर्षों से पूजा चली आ रही है, 300 वर्ष हो गए हैं इस मंदिर का निर्माण हुआ और ये नागवंशी राजाओं के द्वारा ही इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए पूरा पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, इसमें सीढ़ी नीचे देख सकते हैं आप, कितनी सीढ़ियाँ के बाद ये पहाड़ पर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। जय जगन्नाथ। हम पहुंच गए हैं जगन्नाथ धाम पास और मंदिर के समीप खड़ा हुआ है और देखिए मंदिर का क्या नज़ारा है। ये मंदिर को दिखा सकते हैं, मंदिर करीब 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस मंदिर का। ये 1600 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है जो नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया मंदिर है और ये पूरे झारखंड में सबसे नंबर वन मंदिर में से एक है और पूरा भारत में से नंबर वन दूसरा में है। पहला जो मंदिर है वो कोणार्क मंदिर जो पूरी में स्थित है, जो उड़ीसा में है, वो पूरी है कि जो रांची में गुरुवा में स्थित है, यह रांची का सबसे मेन पॉइंट में स्थित है। ये देखिए इसका मंदिर का भव्य दर्शन। आए हुए हैं भक्तों, हजारों भक्तों का आगमन हुआ है इस मंदिर में
और ये मेला जो लगा हुआ है, भव्य मेला लगा हुआ है इसी जगन्नाथ बाबा का। ये सभी लोग अपना फोटो खिंचा रहे हैं मंदिर के साथ। ये देखिए सभी भक्त आए हुए हैं और मंदिर का दर्शन करने के लिए। बाबा जगन्नाथ जी का मंदिर, जहाँ पूजा स्थल में हुआ हवन पुण्य यहाँ अगरबत्ती जलाया जाता है। Thank you.